YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमारा चैनल लाइक करते रहें और घंटे के निशान पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे, नई से नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। हमारे बहुत से दोस्तों ने सवाल किया और बहुत से दोस्तों ने टॉपिक भेजा है कि नज़र और हसद ये क्या है, और ये हाथ में किस तरह हमें मालूम होगा कि नज़र है या हसद है या क्या है। तो मैंने नाफ़ के बारे में तो आपको बताया था कि नाफ अगर हाथ में हो तो इस तरह की अलामत होती है, और कुछ लोग यानी अपनी ज़ातियात दूसरों से शेयर कर लेते हैं, अंधा एतमाद कर लेते हैं, उन अफराद के हाथ कैसे होते हैं, और इसकी वजह से उनकी अच्छी किस्मत भी खाक हो जाती है, तो आप अपने हाथों में, अपने दोस्तों के हाथों में, अजीज़ों के हाथों में, जानने वालों के हाथों में ये चीज़ देखें, और ये चीज़ अगर आपको नज़र आए तो कोशिश करें कि अपनी ज़ातियात को किसी से शेयर ना करें, अंधा एतमाद ना करें, तो इसमें आपकी बेहतरी है। और ये लोग जो शेयर कर लेते हैं, कौन लोग होते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ लकीर बना के। ये देखें, ज़िंदगी की लकीर जो है इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लकीर है, ठीक है, ज़िंदगी की लकीर बहुत अच्छी है, दिमागी लकीर बहुत अच्छी है। आखिर में ये दो शाखा होकर बैक की तरफ टर्न कर रही है, ठीक है, कलाई की तरफ जिन्हें रुख ज़्यादा कर रही है, ठीक है। उसके बाद इनके जो दिल की लकीर है, बड़ी साफ़ सुथरी और काफ़ी लंबी लकीर है, यानी मतलब ये है कि ये लोग बहुत ही अच्छे दिमाग के और बहुत ही अच्छे दिल के मालिक होते हैं, ठीक है। ये समझते हैं कि जैसे मेरा दिल अच्छा है, दूसरे का दिल भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा अच्छा होता नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपका मिजाज अच्छा है तो दूसरे का भी अच्छा हो, ठीक है ना। इसी वजह से ये दिमाग की जो दोरी लकीर है, ये इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि ऐसे लोगों की किस्मत अच्छी है, दिमागी सलाहियतें अच्छी हैं, ज़िंदगी की लकीर अच्छी है, लेकिन क्या है कि ये ज़ातियात वगैरह शेयर कर लेना, ये देखें दिल की लकीर जो है ना, ये थोड़ी सी कमज़ोर है, थोड़ी सही हो रही है, फिर थोड़ी कमज़ोर, इस तरह की चल रही, जैसे ना सांप बल खा के चलता है, ये इस टाइप की लकीर होती है। और इसी तरह दिमाग की जो लकीर है, उसमें भी यानी थोड़ी थोड़ी कमज़ोरी आती है। कमज़ोरी किस वजह से आती है कि मिसाल के तौर पर मैं एक कारोबार कर रहा हूँ, मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, और उस बिज़नेस में मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, और मैं अच्छा घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, उस बिज़नेस से मैंने ये सारा कुछ किया, और अब जब मेरे किसी दोस्त ने आके पूछा, भाई तुम्हारा तो नौकरी जो ना इतनी तनख्वाह नहीं थी, इतना अच्छा घर कैसे बना, उसने कहा जी मैंने ये काम किया, पोर्ट पे काम किया, या कुछ ऐसा किया, उसमें मुझे बड़ा नफ़ा हुआ और ये हुआ वो, आपने जब कह दिया कि बहुत नफ़ा हुआ और ये हुआ वो हुआ, तो बंदा थोड़ी देर के लिए सकते में आ जाएगा, और आपको देख के घूरता रहेगा। जब वो घूरता रहेगा, वही टाइम होता है कि नज़र से निकला हुआ तीर जो है आपको लगेगा, आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें जो होती हैं वो नज़र बद से होती हैं, ठीक है। नज़र बद आप किसी को दुश्मनी से नहीं लगा सकते, क्या आप कहें जी मेरी फलाने से दुश्मनी है तो जाओ उसको नज़र लगा के, जो ऐसा नहीं होता। सूरह फलक सूरह नास नाजिल न होने से पहले ऐसा होता था, लेकिन जब से सूरह फलक सूरह नास नाजिल हुई तो ऐसा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ लोग हसद करने वाले या नज़र करने वाले जो लोग हैं, वो ज़रूर आपको नज़र लगा देते हैं, और उनकी अच्छाई की नज़र लगती है, यानी वो अगर आपका अच्छा सो, उसके पास इतना पैसा आ गया, मेरे पास नहीं है, ये हसद है कि आपके पास इतना कुछ है, हमारे पास नहीं है, इनके घर में सब कुछ है, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है, इनके पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, इनका लिबास अच्छा है, मेरा लिबास अच्छा नहीं, ये हसद है, ये हसद की एक किस्म है। तो इस तरह की ये हसद जो है आपको ले डूबती है, क्योंकि उसकी आह, जिसे कहते हैं ना, आह निकल जाए तो बंदा जो है ना अर्श से फर्श पर पहुँच जाता है, ठीक है ना, अर्श से एकदम गिरता है और फर्श पर आ जाता है, ये वो आह होती है। तो कोशिश करें कि आप कोई भी कारोबार करें, कुछ भी करें, ठीक है, अपने से कमतर लोगों के सामने अपनी शान और शौकत ना दिखाएं, जिसे तकबर भी कह सकते हैं, तकबर की भी एक किस्म है ये, कि उनके सामने आप बताएं जी हमारे पास इतने की गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, हम तो 10 जानवर कुर्बान करेंगे कुर्बानी वाली ईद पर, तुम क्या करोगे। तो इस तरह से जनी हसद आपका पीछा करती है, और नज़र पीछा करती है, और तकबर, ये तीन चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करती हैं, और ऐसे डिस्टर्ब करती हैं कि दोबारा आप अपनी जगह पर नहीं आ सकते। इसे गुरूर किया, तकब्बुर किया,
बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो होटलों पे काम कर रहे हैं, बार वाले हैं, चाय वाले हैं, दूसरे तीसरे इस तरह बहुत से बूट पॉलिश कर रहे हैं, उनको अगर आप बैकग्राउंड उनका देखें तो यकीन करें बड़े अच्छे ख़ानदान के थे, उनके वालिद और ये जो थे बड़े अमीर कबीर लोग थे, लेकिन ये लोग फुटपाथों पे हैं। क्यों? इनके बड़ों और बुज़ुर्गों ने या तो तकबर किया या नज़र और हसद की जद में आए। अगर ऐसी लकीरें आपके हाथ में हैं तो कोशिश करें किसी चीज़ का गुरूर तकबर ना करें, और किसी ऐसे मजबूर बंदे के सामने अपनी तारीफ़ ना करें, जी तुम्हारी कितनी तनख्वाह 20,000, मेरी तनख्वाह 10 लाख रुपए, तो ऐसा कहेंगे उसको हसद आएगी और हसद होगी तो आपको नुकसान होगा। तो ये किस्मत की लकीर भी आपकी अच्छी है, ये इस तरह की है, ये जा रही है। ऐसे ही लोग होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि गंदा एतमाद ना करें, कोशिश करें कि अंधा एतमाद ना करें। दूसरा, तकबर और गरूर से जनी दूर रहने की कोशिश करें, और नज़र से बचने के लिए सूरह फलक, सूरह नास पाबंदी से पढ़ते रहें ताकि अल्लाह ताला आपको शैतान के शर से महफूज रखे। ये था हमारा आज का टॉपिक, और शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला जो हमें सवाल भेजा है, सजावल ने भेजा है सियालकोट से, शादी कब होगी, पसंद की होगी या नहीं? आपकी शादी पसंद की होगी और इंशाल्लाह कामयाब शादी होगी, शादी के बाद काफ़ी बेहतरी का सूरत नज़र आती है। उसके बाद सवाल क्या है, सवाल करने वाले ने अपना ना नाम लिखा है ना जगह का नाम लिखा है। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी मसाइल चल रहे हैं, बेगम ने 2 केस किए हैं, जज ने मुंतकली खर्चा देने का भी कह दिया है, आप बताएँ क्या करूँ? जब आपका केस अदालत में चल रहा है तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। उसके बाद सवाल किया मलिहा ने, मेरे हाथ की लकीरें में क्या है, किस्मत के बारे में बताएं। इन्होंने रावलपिंडी से सवाल किया, आपके हाथ में किस्मत की लकीर अल्लाह के फजल से अच्छी और बेहतर लकीर है, दिमाग की लकीर थोड़ी सी तसव्वुर और ख्याल की तरफ है, कोशिश करें अमली इकदाम करें, तसव्वुर और ख्यालात की दुनिया से बाहर आएँ, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगी। अगला सवाल किया है आमना ने सवाल किया, क्या मेरी तीसरी शादी जल्दी होगी क्योंकि एक तलाक हो चुकी है, क्या मेरी तीसरी शादी भी होगी क्योंकि एक तलाक हो चुकी है, दूसरी का कुछ पता नहीं, हालात ऐसे हैं कि पता तलाक क्या पता तलाक हो जाए, इसलिए पूछ रही हूँ क्या तीसरी शादी लंबी होगी, तीसरी शादी भी होगी। देखें, आपके हाथ में जो लकीरें हैं उसके हिसाब से तो आपकी एक तलाक भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आपके हाथ में तलाक की कोई अलामत नज़र नहीं आती। हाँ, अलहदगी की अलामत नज़र आती है, अलहदगी के बाद तो फिर ये होता है कि मामलात डिस्कस हो जाते हैं, ख़ानदान के बुज़ुर्ग और अहले महल्ला के कुछ चंद लोग बैठ जाते हैं, मामले को सोल्व कर देते हैं। तो अगर आप दोबारा भी ऐसा, लेकिन कोशिश करें कि आप तलाक़ के लिए सोचें भी ना और इरादा भी ना बनाएं कभी तलाक़ का, हालात ऊँच नीच होती रहती है। इंशाल्लाह आपकी तीसरी शादी तो मुझे नज़र नहीं आती, ये दूसरी शादी चलेगी और उसको चलाने की कोशिश करें। उसके बाद सवाल किया है अरमान ने पेशावर से, क्या मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी है? आपके हाथ में जो अलामतें मौजूद हैं उसके हिसाब से अगर आप कारोबार करें तो उसमें आप बहुत कामयाब होंगे। नौकरी, सरकारी नौकरी की कोई अलामत हाथ में नहीं होती, आरामदेह नौकरी की होती है, आपके हाथ में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। उसके बाद सवाल किया है आमिर अब्बास ने चकवाल से, दुबई आया हुआ हूँ, नौकरी नहीं लग रही, कब तक लगेगी? इन्होंने चकवाल से सवाल किया है, इंशाल्लाह आप कोशिश जारी रखें, अल्लाह के फजल से आपको नौकरी भी लगेगी और कामयाबी भी मिलेगी। उसके बाद सवाल किया है सिद्रा ने हरिपुर से, शादी ख़ानदान में होगी या गैरों में होगी? आपकी शादी ख़ानदान में होगी और शादी कामयाब रहेगी और शादी के बाद की ज़िंदगी भी आपकी अच्छी रहेगी। उसके बाद सवाल किया हिना ने मेरठ से, ये मेरे शोहर और मेरे हाथ का, क्या मेरे शोहर मेरे साथ निभाएंगे किसी और के साथ साथ निभाएंगे या किसी और के बन जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, आपके शौहर अल्लाह के फजल से अच्छे हैं। हाँ, ऐसी कोई चीज़ों मर्दों में होती हैं, लेकिन ये जो ना कुछ ऐसे नहीं है, वक्ती तौर पर ऐसा है, बाकी अल्लाह के हुक्म से आगे हालात ठीक हो जाएंगे। अगला सवाल किया है सैयद उमर अली ने खानेवाल से, मेरे हाथ में दौलत है या नहीं है?
پیارے دوست آپ کی قسمت اچھی ہے، آپ دولت کے لیے آپ خود کوشش کر لو، انشاءاللہ دولت آپ کو ضرور ملے گی۔ اگلا سوال کیا ارشد حسین نے خرم ایجنسی سے، میرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ آپ کے نصیب میں لکھا ہے کہ آپ محنت کریں، کوشش کریں، اور اس کے بعد ملک سے باہر کا ایک سفر کریں، ادھر جا کے کوئی کاروبار کریں، نوکری کریں، اس کے بعد کامیاب ہو کر آئیں اور پھر پاکستان میں کام کریں۔ یہ آپ کی زندگی کی پوری ڈیٹیل ہے۔ اگلا سوال کیا ہے لائق حسین نے ابو ظبی سے، ہاتھ میں دولت اور کاروبار اچھا ہے؟ میرے ہاتھ میں دولت اور کاروبار اچھا ہے، بالکل اللہ کے فضل سے کاروبار آپ کے لیے بہت اچھا ہے، وقتی طور پر کچھ پریشانی ہے لیکن آگے چل کے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوال کیا نازیہ ابرار نے فیصل آباد سے، اولاد کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں اولاد کی تین لکیریں، اب کب ہوگی میرا اللہ بہتر جانتا ہے، لکیریں شوق ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جلد خوشخبری ملے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے سہیل نے سبی بلوچستان سے، شادیاں کتنی ہوں گی اور شادی کے بعد کی لائف کیسے ہوگی؟ شادی آپ کی ایک ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے اچھی اور بہتر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔